Yes. Okay. Yesterday we discussed about the cambium. Now today we will discuss the structure of cross section of the stem. What do you mean by the cross section? बच्चे क्रॉस सेक्शन मतलब अगर मैं इस चीज को यहां से ऐसे काट रही हूँ, दिस इज द सर्कुलर. क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में फर्क होता है. क्रॉस सेक्शन में आप एक ही चीज को, एक ही पॉइंट को अच्छी तरह देखते हो. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में नंबर ऑफ थिंग्स एट अ टाइम. क्रॉस सेक्शन में एक ही चीज पे हम फोकस करते हैं. वी विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ, टेक आउट योर पेंसिल्स, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम. क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम. पेंसिल्स ले लो, ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू इन दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम, वी विल मेक लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू विल ड्रॉ लाइक दिस, बिकॉज हम एक ही सेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे. That's why I am doing like this, right? Here you will draw like this, epidermis, right? यहां पे here are present. Like this, okay. अब यहां पे, yes, Jia, unmute yourself. मैम थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दो. सॉरी मैम, कैमरा नीचे कर दो थोड़ा सा, ठीक है. Yes. Okay. चलिए राइट. अब दिस इज, दिस लेयर इज कॉल्ड द एपिडर्मिस, राइट. दिस लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस. हम स्टेम का बना रहे हैं, ठीक है. ये पेरेन्काइमा होती है. एपिडर्मिस जो है दैट इज द पेरेन्काइमा. वेट, राइट. अब ये जो रूट हेयर है, अगर रूट हेयर लाइक दिस इस तरह से बने हुए हैं तो इसको हम सिंगल बोलते हैं, मतलब यूनिसेलुलर, राइट. जब रूट हेयर के अंदर फिट बीच में डिवीजन होती है, पार्टीशन होती है, दैट इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर. अब मैं पहले यहां बना रही हूं, देन आई विल ड्रॉ इट ओवर देयर. इररेगुलर शेप में ये बड़ा बड़ा बना रही हूं मैं यहां पे लाइक दिस, ठीक है. सेम यू विल ड्रॉ हेयर. Then this is called multicellular hair. This is called multicellular hair. ठीक है, labeling in a proper sequence, right? Right? After this epidermis, there is one another layer that is called hypodermis, right? There is one layer, colenchyma tissues, like kaise hote hain? These are in a circular form. Like this, right? These are hypodermis.
दैट इज ऑफ कोलेनकाइमा। मैं साथ साथ में आपको ये भी बता रही हूँ कि किसके होते हैं, कोलेनकाइमा। अब जो कोलेनकाइमा है, इफ यू रिमेम्बर जिया, टेल मी कोलेनकाइमा की लाइनिंग कैसी है? यस जिया, अनम्यूट योर सेल्फ। तो अगर अब हम यहाँ पे थिक बनाने जाएंगे, सो बेटर वी कैन मेक इट एज अ थिक सर्कल बना सकते हैं, या इसके अंदर हम डबल आउटलाइन शो कर देते हैं, दैट इज, दैट इंडिकेट्स दैट दैट इज द कोलेनकाइमा। ठीक है जी, इज दिस पॉइंट क्लियर बेटे? लाइक दिस, इज इट क्लियर? इन योर एनसीईआरटी बुक यहाँ पे ना एक और चीज बनी हुई है, दैट इज द म्यूसिलेजनस कैनाल। यू कैन ड्रॉ, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस ओनली। चलो ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया कोलेनकाइमा, राइट जी, दैट इज द हाइपोडर्मिस। अब नाउ वी आर सेइंग इन अ स्टेम वी आर हैविंग द जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम इज देयर, सो देयर आर टू पैचेस, लाइक ये यहाँ पे आप लोगों ने पैचेस बनाना है लाइक दिस। Like this, same banana. ठीक है, अब इसमें हमने क्या बनाया था, कैम्बियम, राइट? कैम्बियम, ठीक है, दिस इज कैम्बियम, दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज हाइपोडर्मिस, यहाँ पे बीच में एक और लेयर होती है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, ठीक है, वो मैं बाद में ड्रॉ करती हूँ। दिस इज द पैचेस प्रेजेंट इन द स्टेम, दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम, वी विल शो इट। Phloem we will show irregularly, we will show the phloem but very small in size, like chote chote banane, irregular shape mein you can make the right here, you will also draw like this, these are the phloems, irregular in shape you can make, ठीक है, दीज आर फ्लोएम, दिस इज कैम्बियम,
आई टोल्ड यू क्रॉस सेक्शन मीन्स एक पार्ट को एक टाइम पे ऑब्जर्व करना, दैट इज अ क्रॉस सेक्शन. लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंट पार्ट्स ऑब्जर्व एट अ सेम टाइम, राइट? इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ वी विल मेक द जाइलम. जाइलम यू विल मेक लाइक दिस इन अ सर्कुलर फॉर्म, बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. व्हेन यू विल मूव डाउन द साइज विल बी रिड्यूस्ड. You can make two rings, two like this, or three. You can make. ठीक है, ये टच नहीं करना नीचे. Like this. This is xylem. We are showing the xylem, right? Label कर लो इसको भी xylem. Clear है बच्चे? आप यहां पे above these phloems sclerenchyma tissues or cells are also present. So make like this and make the sclerenchyma are dead cells, so इसकी cell wall भी क्या होगी? इसमें भी हम क्या करते हैं? Double कर दो, और you can shade it. आप मोटी भी कर सकते हो इस तरह से. Thick भी कर सकते हो. These are dead cells, और double layer भी बना सकते हो. Like this, getting? Getting बच्चे, these are sclerenchyma. और sclerenchyma आपको पता है क्या होते हैं? Dead. Done. इसको हम anatomical structure भी बोलते हैं. Is it clear बच्चे? Now we are having the parenchyma cells बीच में present है, that is called cortex. You will make the circle surround this.
दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और सेंटरली ऑक्यूपाइड थोड़े बिग बना दोगे, दिस इज पिथ. सेंटर पार्ट इज कॉल्ड पिथ. दिस इज कॉर्टेक्स एंड दिस इज पिथ. दोनों में पेरेन्काइमा होते हैं. दे विल डिवाइड. वेट, दे विल डिवाइड पिथ में भी और कॉर्टेक्स में भी. इसमें भी पेरेन्काइमा एंड दिस इज ऑल्सो पेरेन्काइमा. ओके, अब ये आपकी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गई. इसके बीच में खाली भी हम रख सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो ड्रॉ अ स्मॉल सर्कल दैट हेल्प इन द स्पोर्टिंग. सम सेल्स आर प्रेजेंट विद द जाइलम दैट हेल्प इन द स्पोर्ट. आप बहुत लाइट शेड में उसको कवर कर लो. ये आप डार्क रख लो जाइलम वाले और बीच वाले लाइट. ठीक है जी, बीच वाले सर्कल्स लाइट कर लो. वी कैन लीव लाइक, ऐसे भी छोड़ सकते हो टू शो देम, और वी कैन ड्रॉ लाइक दिस. दिस इज जाइलम. लाइट कलर के बना लेना. जाइलम के स्पोर्ट में सेल्स आर देयर दैट आर कॉल्ड सेल्स आर प्रेजेंट दैट हेल्प इन द स्पोर्ट. एनी डाउट इन द डायग्राम? दैट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेम. ठीक है, सो यू हैव टू डू एटलीस्ट, बनाना आना चाहिए, अदरवाइज तो लेबलिंग आती है, बट एज इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी तो दे कैन आस्क यू टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस, सो यू शुड नो हाउ टू मेक इट. ओके, क्लियर है सबको? Any doubts to anyone? ठीक है, मल्टी सेलुलर क्यों बोलते हैं? जब ये बीच में bifurcate हो जाता है, then this is called multicellular. Then there is a layer that is epidermis, that is also parenchyma. Then the hypodermis layer, that is collenchyma. Then sclerenchyma, यहाँ पे patches present हैं, that is a sclerenchyma. Then we will make these one. ये same ही बनाना है, मतलब ये दोनों एक साथ ही एक जगह पे बनेंगे ऐसे. ठीक है, तो दिस कैम्बियम, फ्लोएम, जाइलम एंड दिस इज कॉर्टेक्स एंड नीचे क्या है? पिथ. जी धैर्य, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम, जो हमने लाइट लाइट वाले सर्कल्स बनाए वो हम उसमें दूसरी साइड पे बना सकते हैं क्या? नहीं, क्या कर सकते हैं? जो हमने लाइट वाले सर्कल्स बनाए, जैसे आपने कहा सर्कल्स लाइट बनाने हैं, तो हम दूसरी साइड पे बना सकते हैं. हाँ जी, हाँ जी, वो तो मैंने जस्ट आई एम टेलिंग इट टू यू कि यू कैन डू इधर दिस वे और दैट वे. आप किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हो, तो लाइक मार्क्स नहीं कटते. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि वी कैन लीव ऑल्सो एंड वी कैन मेक. हम यहाँ पे ये साइलम की थ्री लेयर्स भी शो कर सकते हैं. ठीक है जी. ओके मैम. ओके, अब after this I will again repeat the cambium as yesterday we discussed. ab main isi ke sath aapko batati hu how it works. theek hai, ab dhyan se dekhna because ab ye terms clear hai. I am making the circle here. ab dhyan se dekhna, iske sath heading you can write activity. you can write heading that is activity of outline structure of cambium. ठीक है, समझ लो. दिस इज इट विल नॉट कम इन एग्जाम, बट जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट आई एम अगेन रिपीटिंग. दैट इज द एक्टिविटी टू शो आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियम.
एज यू हैड डन दिस इज एपिडर्मिस है ना राइट दिस इज हाइपोडर्मिस ठीक है जी ये हमें पता है एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस अब क्या हुआ एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस दिस इज अब यहां पे ठीक है तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ कॉर्टेक्स राइट अब इसमें क्या होता है या बाद में करोगे दिस इज एंडोडर्मिस दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन राइट अब इसमें क्या होता है यहां पे प्रेजेंट है जाइलम के पैचेस ठीक है बच्चे इज इट क्लियर ठीक है यहां पे ये चीज प्रेजेंट है ठीक है जी ये कॉर्टेक्स हो गया एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स यहाँ पे आपके पास हो गया ये बीच वाला जो एरिया है ये वाला एरिया जैसे हमने वहां पे पिथ बनाई है दिस इज पिथ ठीक है जी ये जो सेंटर में हमने बनाया ये पिथ राइट अब यहाँ पे क्या होता है कि दीज आर द प्राइमरी फ्लोएम एंड द प्राइमरी जाइलम ठीक है यहाँ पे ये जो है दिस इज ये कैम्बियम हो गया दिस ये वाला ये आपके पास हो गया प्राइमरी जाइलम ठीक है फिर ये पीछे वाला जो पोर्शन है मैं इसको डॉट्स के साथ शो कर देती हूँ ये हो गया आपके पास प्राइमरी फ्लोएम ये आपकी एक स्ट्रक्चर है अब जब कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम ये जो बीच में प्रेजेंट है ये वाला ठीक है दिस इज हमने ये कैम्बियम कहा ये कैम्बियम है ना अब ये ऐसा परमानेंट टिश्यू है Cambium is like this kind of the permanent tissue which show the meristematic also, which can become meristematic. ठीक है? Cambium is like that it can show, it can become the meristematic. Right? अब ये एक structure थी. अब जब cambium ने redivide करना शुरू किया, मतलब division start हुई, इसकी growth start हुई, तो at that time क्या हुआ? अब मैं इसी का आगे बना के बता रही हूँ how it will work. ये देखो. अब ये आपके पास ये चीज अब आपको समझ आ रही है कि ये क्या था हमने एक पार्ट उस टाइम पे बनाया है अब यहां पे क्या कर रही हूं मैं शो सेम चीज शो करूंगी बस जस्ट टू शो दैट कि हाउ इट कैम्बियम हाउ ग्रोज और कैसे कैसे जाइलम एंड फ्लोएम का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है ठीक है जी अब यहां पे क्या है लाइक दिस Like this. बच्चे ये आपने आएगा नहीं बस समझ लो क्योंकि कल टॉपिक कराया था तो ये आपको पता होना चाहिए हाउ इट वर्क अब यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे हमारे पास बीच में जाइलम था जैसे ये वाला था अब इसका साइज क्या हो गया रिड्यूस्ड क्यों क्योंकि यहाँ पे इसने ग्रो करना शुरू कर दिया ठीक है ये पैचेस रह गए फ्लोएम के क्रश्ड फ्लोएम क्रश्ड फ्लोएम मींस कि फ्लोएम जब वो कैम्बियम की ग्रोथ हुई तो फ्लोएम छोटा होना शुरू हो गया ये आपके पास प्राइमरी जाइलम था ठीक है ये आपके पास प्राइमरी जाइलम था ये प्राइमरी फ्लोएम था जो कि क्रश्ड होना शुरू हो गया ठीक है उसके बाद धीरे धीरे वहां पे क्या होता है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ पे बनने शुरू हो गए ठीक है दिस इज द सेकेंडरी जाइलम धीरे धीरे इनकी ग्रोथ शुरू हो गई ठीक है ये बढ़ना शुरू हो गया ठीक है जो कैम्बियम था दिस इज वेस्कुलर कैम्बियम यानी कि कैम्बियम And this one is coke.
जो बाहर रह जाता है वो कोक बनना शुरू हो जाता है बुडी, और उसके ऊपर बाद में लेंटी सेल्स बन जाते हैं, जो आपको पता है कि लेंटी सेल्स की ग्रोथ होती है, दीज आर लेंटी सेल्स। अब हुआ क्या कि जैसे यहाँ पे ग्रोथ होनी शुरू हुई, जो केम्बियम है वो अपने आप को नया बनाना शुरू कर दिया और वो फैल गया, जिसकी वजह से ये फ्लोएम क्रश्ड होने शुरू हो गए। तो ये हमारे पास अंदर प्राइमरी फ्लोएम था, ये प्राइमरी फ्लोएम था जो क्रश्ड हो गया। जब कैम्बियम ने ग्रो करना शुरू किया तो यहाँ पे सेकेंडरी साइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम डेवलप होना शुरू हो जाएंगे और ये साइज जो है इसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड कोक कैम्बियम, राइट बच्चे? यस जिया जानवी, जानवी अनम्यूट योरसेल्फ, बोलो। मैम जो आपने क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम में कैम्बियम बनाया उसके अंदर हमने कुछ बनाना है? नहीं, रहने दो, लीव इट। ओके मैम। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम बात करें कि ये जो कैम्बियम है, नेचुरली जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो प्लांट्स में बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में होता है, उसका काम क्या होता है? ये वाले कैम्बियम का काम क्या होता है? दीज सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड अगेन एंड अगेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो अंदर वाला, जो हमारे अंदर जैसे जाइलम एंड फ्लोएम बने हैं और उसके बीच का जो कैम्बियम है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस? ये क्या करते हैं? दे विल डिवाइड एंड रीडिवाइड अगेन एंड अगेन, ठीक है, एंड स्टार्ट्स एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स आउटसाइड एंड सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स इनसाइड। ठीक है बच्चे, बात समझ आ गई? वेस्कुलर कैम्बियम क्या करते हैं? फ्लोएम, ये देखो सेकेंडरी फ्लोएम हमने बाहर बनाया, they will start divide again and helps in the formation of secondary phloem and secondary xylem. Secondary xylem अंदर की तरफ, phloem बाहर की तरफ। और जो बाहर वाला हमारे पास कोक कैम्बियम है, this is also called कोक कैम्बियम। अब ये बढ़ गया तो कोक कैम्बियम क्या करता है वहां पे, जो मतलब आगे जाके कह लो आपकी इट हेल्प्स, यू कैन से क्या कहते हैं इसको, लेयर्स जो हैं इसमें, जैसे चारों जो हैं अगेन मतलब रिजल्ट करता है, फोर लेयर्स बना देता है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस वाली लेयर्स को डेवलप करता है। अब कल वाला टॉपिक क्लियर है?